हेलो रिवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिस एनीमिया तो एनीमिया के जिसको हम कहते हैं एनेमिक कंडीशन कि जिसको हम एनेमिक कंडीशन भी कहते हैं एंड एनीमिया होने के जो अलग अलग रीजन्स है कि जिसको हम कहते हैं उसके कोजेस फिर उसके सिम्टम्स किस तरह से ये डिसीज या फिर ये कंडीशन डायग्नोस होती है एंड वॉट आर द वेरियस प्रिवेंसन स्टेप ऑल्सो अबाउट द रिस्क फैक्टर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह को हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे तो टाइटल स्लाइड पर से आपको थोड़ा बहुत तो ख्याल आया ही होगा एनेमिया के बारे में कि एनेमिया के अंदर स्पेशली होता क्या है तो यहाँ पे आप जो टाइटल स्लाइड में देख रहे हैं वैसे ये हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल और जब एनेमिक कंडीशन होती है उस वक्त रेड ब्लड सेल तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनेमिक कंडीशन जब प्रोड्यूस होती है किसी भी पर्सन के अंदर तो वो पर्सन के अंदर आर जो होते हैं कि जो हमारे रेड ब्लड सेल है वो काफ़ी अमाउंट में कम हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं रिड्यूस इन ए नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल रेड ब्लड सेल जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं तो ये है उसका मेन रीजंस कि जो हम कहते हैं कोजिज़ वाट इज़ द कोजेज़ बिहाइंड द एनेमिया तो ये सबसे बड़ा कोजेस है कि आर पेशेंट के कम हो जाते हैं अलग अलग कंडीशंस के कारण जिसके कारण सिम्टम्स क्या डेवलप होते हैं वो हम स्टडी करेंगे किस तरह से हम ये डिसीज को या फिर ये कंडीशंस को डायग्नोसिस करेंगे एंड हाउ टू प्रिवेंट दिस तो ये सभी को हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे सो दिस एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर सो मिस्टर अमर एम रावल ही इज़ ए बी फार्म एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स एंड परसुंग हीज पी एच डी अमर रावल असिस्टेंट प्रोफेसर फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स एंड परसुइंग द पी एच डी फ्रॉम गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात सो थैंक यू फॉर बी वन लैख फैमिली इन फार्मारॉक्स फार्मारॉक्स के अब वन लैख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड सिल्वर बटर

आप आईफोन में भी ये ऐप चला सकते हैं लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है कि जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ है स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर पाते हैं इन अफोर्डेबल प्राइस सो गेट द टेस्ट सीरीज़ वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल ऑन द ऐप फार्मा रॉक्स सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग सब शुरू करते हैं हमारा लेक्चर कि जो है मेनली ऑन एनीमिया सो एनेमियाज डिफाइन अ लो नंबर ऑफ आर बी सी की जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल तो दिस इज योर फर्स्ट इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट इन दिस डिसीज़ की एनेमिया की यहाँ पे क्या हो रहा है लो हो रहे हैं हमारे आर बी सी कि जो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं इन रूटीन ब्लड टेस्ट एनेमिया इज रिपोर्टेड एज लो हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट अब इसका डायग्नोसिस जो हम बात करें तो जब किसी पर्सन का ये जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं एंड ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसके जब आप आर के अंदर रहा जो हीमोग्लोबिन हम चेक करते हैं तो हीमोग्लोबिन काफ़ी लो होता है कि जिसको कहा जाता है लो एच लो एच और हीमेटोक्रिट दोनों की वैल्यू जो है वो ब्लड टेस्ट के अंदर काफ़ी कम आती है और स्पेशली हम ब्लड टेस्ट उसको परफॉर्म करते हैं डायग्नोसिस के लिए एंड प्रॉपर ब्लड टेस्ट के बाद आपको पता चलता है कि पेशेंट जो है वो एनेमिक है तो यहाँ पे हम एनेमिक पेशेंट का जो हाथ है वो देख सकते हैं कि नॉर्मल पेशेंट एंड एनेमिक पेशेंट के कंपेरिजन में जो एनेमिक पेशेंट है उसके अंदर आप देखोगे तो काफी रेड और जो ये हैंड का जो बाग है ये एनेमिक पेशेंट के अंदर है दिस इज एनेमिक तो जो रेडनेस जो है वो काफी कम है येलो विश को हैंड जो है वो दिख रहा है या फिर द पाम जबकि ये नॉर्मल हैंड है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर रेडनेस देखने को मिलती है पेशेंट के हैंड के अंदर तो डायग्नोसिस के अंदर भी जब डायरेक्टली आप समझो कि पहले पेशेंट के हैंड्स चेक करते हो उसके जो आइस का पोर्सन आप चेक करते हो टंग चेक करते हो तो काफ़ी येलो जैसा देखने को मिलता है काफ़ी जो रेडनेस काफ़ी कम देखने को मिलती है तो उससे भी उसका डायग्नोसिस होता है तो ये है एनेमिक पेशेंट की पाम तो उसका हाथ आप जब कंपेयर करते हो नॉर्मल के साथ तो ये सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। हैविंग एनेमिया कैन मेक यू फील टायर्ड एंड वीक जब किसी पेशेंट को एनेमिया होता है तो उसका जो बॉडी है वो जल्दी से थक जाता है इसके कारण हम कहते हैं कि थकान काफ़ी ज़्यादा होती है पेशेंट को एंड उसका रीज़न है लो एच कि आपके ब्लड के अंदर एच बी जो काउंट है वो काफ़ी लो है और वो होने का रीज़न है कि आर बी सी आर बी सी कम है तो आर बी सी के कारण एच बी भी कम ही होगा बिकॉज आर बी सी एच बी दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है एंड द कंडीशन ऑफ दिस पेशेंट इज कॉल एनिमिक पेशेंट अब जो भी व्यक्ति को जो भी पर्सन को इस तरह की कंडीशन फेस करनी पड़ती है उसको हम कहते हैं एनिमिक पेशेंट तो यह था इंट्रोडक्शन अबाउट दिस डिसीज एनीमिया तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि व्हाट इज हीमोग्लोबिन। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हीमोग्लोबिन क्या है तो हीमोग्लोबिन एक तरह से एक प्रोटीन है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं लिपिड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं शुगर होती है वैसे ही हीमोग्लोबिन एक जो है वो प्रोटीन है और वो होता है इन रेड ब्लड सेल हिमोग्लोबिन इन योर रेड ब्लड सेल दैट कैरीज द ऑक्सीजन और उसका काम क्या दिया है तो उसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करने का टू योर बॉडीज ऑर्गन एंड टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर ऑर्गन एंड टिश्यू बैक टू योर लंग्स तो उसका जो काम है यहाँ पे समझिए इफ दैट कैरीज द ऑक्सीजन तो यहाँ पे बाजू में जो डायग्राम है उसके अंदर आप समझिए तो ये है हमारे रेड ब्लड सेल की जिसको हम कहते हैं आरबीसी ये हमारे आरबीसी है आरबीसी के अंदर यहाँ पे दिखाया है देखो ये डायग्राम को ज़ूम करके कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है ये हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन के पास प्रेजेंट है ये ऑक्सीजन ये देखो ऑक्सीजन के ये 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 जो एटम्स हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन ये ये हीमोग्लोबिन के पास होते हैं और वो अटैच होते हैं आयरन की जिसको हम कहते हैं एफी तो हमारे जो रेड ब्लड सेल जो है वो कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को तो जब पेशेंट के अंदर आर कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आर कम हो गए तो एच बी ऑब्वियसली कम हो जाएगा और जिसके कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है किसी भी पर्सन की जिसके कारण आगे जाके अलग अलग सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो हम जानेंगे और जो पेशेंट की जो कंडीशन है वो कंडीशन हम कहते हैं कि वो पेशेंट एनेमिक पेशेंट है तो आपने जान लिया कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है कि जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है एंड कैरी करता है ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है ये HB. Because जो ब्लड है हमारे सभी ऑर्गन्स तक पहुंचता है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पे होता है तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और वो एक आयन के साथ हिम अटैच हो जाते हैं और ऑक्सीजन्स को कैरी करके हमारे अलग अलग बॉडी के जो ऑर्गन्स से एन है वहाँ तक पहुँचाते हैं एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर ऑर्गन एन टी बैक टू योर लंग और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है टी एंड अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर उसको हमारे लंग्स की ओर ले जाता है कि जो हमारी रेस्परेटरी सिस्टम में हम सीखते हैं कि जिस तरह से जो पूरा साइकिल है ब्लड प्यरिफिकेशन का कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होती है वो प्रोसेस में ये काफी हेल्प करते हैं सो इफ ए हीमोग्लोबिन टेस्ट रिविल दैट योर हीमोग्लोबिन लेवल इज लोअर हीमोग्लोबिन लेवल इज लोअर कि आपका एच का जो लेवल है वो लो है हीमोग्लोबिन लेवल इज लोअर देन नॉर्मल इट means यू हैव ए लो रेड ब्लड सेल काउंट एच बी कम है उसका मतलब यह हुआ कि आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का काउंट काफी कम है और उसको हम कहते हैं एनीमिया जिससे कारण जो रेड ब्लड सेल जो अच्छे होता है तो आपके बॉडी के अंदर जो रेडनेस होती है वो नहीं रहती और बॉडी का रेडनेस काफी कम हो जाता है इवन हाफ किसी के हैंड वगैरह चेक करो तो भी आपको पता चल जाएगा कि रेडनेस काफी कम है तो हिमोग्लोबिन्स के जो लेवल है वो सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं तो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी में कहूंगा ये पॉइंट फॉर द एमसीक्यूज़। जितनी भी अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है सभी के अंदर यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है तो कौन सा एमसीक्यू कैसे आएगा वह मैं आपको बताता हुआ तो सबसे पहले तो नॉर्मल एच बी सबसे पहले तो नॉर्मल एच बी की वैल्यू तो नॉर्मल एच बी अंदर होना चाहिए 12 टू 16 ग्राम पर डेसेलीटर वही मैन uh, के अंदर होना चाहिए 13.5 पॉइंट फाइव टू सेवनटीन पॉइंट ग्राम पर डेसेलीटर ये नॉर्मल है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो हेल्दी पर्सनस होते उसमें भी मैन एंड वुमेन के अंदर इतना नॉर्मल एच बी होना चाहिए फिर यहाँ पे देखिए उसके नीचे है माइल्ड एनीमिया तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वट इज़ द अमाउंट ऑफ एच बी इन माइल्ड एनीमिया इन वुमेन तो वुमेन के अंदर टेन टू ट्वेल्व ग्राम पर डी एल है तो उसको हम कहेंगे माइल्ड एनीमिया और वही मेन uh, के अंदर टेन से लेकर थर्टीन पॉइंट फाइव है तो वो कहेंगे हम माइल्ड एनीमिया इन मेन के स्पेशली जो पुरुषों के अंदर दस से लेकर तेरह दशमलव पाँच जितना एच बी है तो वो माइल्ड एनीमिया कहा जाएगा फिर उससे भी क खराब कंडीशन कि जो मॉडरेट एनीमिया कहते हैं हम कि जिसमें एच बी लेवल होता है एट एंड टेन के बीच में और वो दोनों के अंदर मैन हो या फिर वुमेन दोनों के अंदर समझो कि एच बी लेवर आठ से दस के बीच में है तो उसको मॉडरेट एनेमिया कहा जाएगा एंड सीवियर एनेमिया कि जब आपका एच बी काउंट है लेस देन एट लेस देन एट जब आपका एच बी हो जाता है तो वो कंडीशन सीवियर एनीमिया कही जाती है तो यहाँ पे हमारे एक और डाय चार्ट है कि एट द बर्थ जब बेबी का बर्थ होता है तो उस वक्त उसका नॉर्मल एच होता है फोर्टीन से लेकर ट्वेंटी के बीच में ग्राम पर डेसीलीटर फिर पॉइंट फाइव से वन ईयर की एज में वो एच बी टू थर्टी होता है कि जो मेंटेन रहता है फोर ईयर तक कि जो पुबर्टी है उसकी फिर पुबर्टी जब फीमेल्स के अंदर है तो ट्वेल्व टू सिक्सटीन एंड पुबर्टल मेल के अंदर वो एच बी रहता है मेंटेन फोर्टीन से लेकर एटीन तक कि जो हमने यहाँ पे नॉर्मल में देखा कि थर्टीन पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव एम सी वी का जो वैल्यू है वो हंड्रेड से वन थर्टी बर्थ के दौरान और फिर ऊबरडे के दौरान वो एटी से हंड्रेड के बीच में होता है तो यह है ही हीमोग्लोबिन और उसके लेवल और जब पेशेंट की ये कंडीशन नॉर्मल में से कम एच हो जाता है तो वो कंडीशन कही जाती है एनीमिया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मल ब्लड की जिसके कारण जो हम कह सकते हैं कि रेडनेस है हाथ के अंदर और एनेमिया के अंदर वो रेडनेस जो है वो कम्प्लीटली गायब है काफ़ी येलोविस जैसा हैंड दिख रहा है तो ये नॉर्मल और ये वाला एनेमिया बिकॉज नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड हीयर देर इज़ एनेमिक अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल की जिसके अंदर आर बी सी काउंट काफी डिक्रीज होता है डिक्रीज इन आरबीसी एंड डिक्रीज इन एच बी तो जो है कंडीशन वो हम कहेंगे एनेमिया तो एनेमिया कंडीशन इन विच यू लेक इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल कि आपके अंदर काफी डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाती है हेल्दी रेड ब्लड सेल की यू लेक द इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल टू कैरी एडिकुएट ऑक्सीजन टू योर बॉडीज टिश्यू कि हमारे बॉडी के टिश्यूजन ऑर्गन को रेगुलर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए ही और जब वो ऑक्सीजन उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता तो उसकी डेफिशेंसी जो है वो प्रोड्यूस होती है एंड आगे जाके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पेशेंट को होते हैं देर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनीमिया इच विथ इट्स ऑन कोस एनेमिया कैन बी टेम्पररी और लॉन्ग टर्म एन इट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर की जैसे हमने एच बी के काउंट के अकॉर्डिंग टू देखा कि माइल्ड से लेकर सीवियर एनेमिया की कंडीशन फॉर्म हो सकती है डिपेंड ऑन द एच बी लेवल तो नॉर्मल ब्लड की जिसके अंदर काफ़ी सारे अमाउंट में आर बी सी प्रेजेंट है एंड एनेमिया के अंदर जो नॉर्मल आर बी सी का जो काउंट है वो डिक्रीज होता है और उसके कारण जब एच बी का जो लेवल चेक करते हैं मेनली यहाँ पे चेक करते हैं एच बी लेवल एनीमिया के अंदर तो एच बी जो है वो पेशेंट का काफ़ी कम हो जाता है और उसका जो हमने चार्ट देखा उसके रिगार्डिंग रे, रे, माइल्ड से लेकर सीवियर एनीमिया तक की कंडीशन फॉर्म होती है तो एनीमिया कोई ऐसी हम डिसीज़ भी नहीं कह सकते ऐसे कंडीशन कि जब आपका जैसे डायबिटीज़ एक कंडीशन है कि जिसके अंदर शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है वैसे ही एन एम एक ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर एच बी लेवल कम हो जाता है बट वो कंडीशन को ट्रीटमेंट करके अच्छे से क्योर करनी जरूरी है एज वेल एज आप पहले से ही ऐसी स्ट्रैटर्जी बनाएं कि आपका एच बी लेवल जो है वो नॉर्मल रहे तो उसके लिए अलग अलग फूड हैबिट्स होती है होम रेमिडीज़ भी होती है वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे कंडीशन इन विच द ब्लड डज नॉट है बॉडी आरबीसी का काउंट तो चलो डिक्रीज नहीं हुआ बट आरबीसी ऐसे है कि इनएक्टिव है या फिर डिसफंक्शनल आरबीसी कैसे आरबीसी की जो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे है दिस लीड टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो टू दॉडीज ऑर्गन और उसके कारण जो हमारे बॉडी के ऑर्गन को जो ऑक्सीजन मिलता है वो फ्लो काफी रिड्यूस हो जाता है तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एनीमिया तो वट आर द सिम्प्टम्स ऑफ दिस डिस तो सबसे पहले पेशेंट को काफी थकान रहती है कि जिसको हम कहते हैं फटिक फिर वीकनेस कि फटीक इसका मेन एक सिम्टम है फिर पेशेंट काफ़ी वीक हो जाता है कि जिसको हम कहते हैं उसकी वीकनेस फिर पेल और येलोविस स्किन कि एनेमिक पेशेंट की जब आप स्किन देखते हैं तो पेल स्किल या फिर येलोविस आपको स्किन देखने को मिलती है इरेगुलर हार्ट बीट्स आपके हार्ट बीट्स पे अफेक्ट होता है कि जिसको हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वो भी हो जाता है एज वेल एज हार्ट बीट आपके कम होते हैं डिजीनेस एक सिम्टम से कि पेशेंट काफ़ी डिजीनेस रहता है उसके अंदर लाइट uh, हेडेडनेस की हेडेक रहता है पेशेंट को इनसोमनिया भी कंडीशन प्रोड्यूस होती है एज वेल एज चेस्ट पेन जो हम कहते हैं एंड कोल्ड हैंड एंड फीट आपके जो हाथ है वो काफ़ी ठंडे रहते हैं कोल्ड हैंड एंड फीट चेस्ट पेन हो सकता है तो ये है उसके कुछ सिम्टम्स कि जो आगे जाके काफी सीवियर बन सकते हैं डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग तो ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं किसी भी एनेमिक पर्सन के अंदर तो अब हम डिटेल में देखें ये सिम्टम्स को तो यहाँ पे सबसे पहले फटिक की फटिक जो थकान होना कि यहाँ पे बैटरी इसलिए देखा है कि बैटरी जो है जब फुल चार्ज होती है तो पेशेंट अच्छे से अपना जो पर्सन है वो अपना अच्छे से काम करता है नॉर्मल होता है और जैसे जैसे बैटरी लो होती जाती है मतलब कि उसका काम करने का जो स्ट्रेंथ है उसका जो एबिलिटी है वो रिड्यूस होती जाती है थकान होता है बार बार तो वो मतलब कि उसकी बैटरी जो है वो बार बार लो हो जाती है ऐसी कंडीशन फिर हेडेक होता है सीवियर या फिर माइल्ड हेडेक एक स्किन डेवलप होती है फिर इरेगुलर हार्ट बीट हो जाते हैं आपके चेस्ट पेन रहता है कोल्ड हैंड एज वेल एज द फीट डिजीनेस होता है पेशेंट को लेग के अंदर क्रैम्प्स होते हैं एंड इंसोमनिया कि आपको लेट नाइट तक नींद नहीं आती इनसोम्निया जो कंडीशन की लॉस ऑफ स्लीप तो अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर उसके सिम्टम्स देखें एनीमिया के ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू तो जो रेड किया है वो समझना है आपको इन सीवियर एनीमिया और बाकी नॉर्मल एनीमिया के आइज आप देखोगे तो येलो विंग आइज देखने को मिलेगी स्किन दैट इज पेलनेस कोल्डनेस एंड येलोविंग इन ए स्किन रेस्परेटरी सिस्टम पे जो उसकी अफेक्ट है दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कि आपके जो ब्रीथिंग काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं मस्कुलर के अंदर वीकनेस मसल वीक हो जाते हैं जिसके कारण आपको बार बार थकान होती है आप अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते इंटेस्टाइन पे देखे तो चेंज इन स्टूल कलर का आपका जो स्टूल फॉर्मेशन होता है उसका कलर काफी चेंज हो जाता है सी एन एस पे हम देखे तो फटिक एंड डिजीनेस एंड फैंटिंग फिर ब्लड वेसल्स पे देखे तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है वो पेशेंट का हार्ट में हम देखें तो पालपिटेश रैपिड हार्ट रेट चेस्ट पेन एंजीना हार्ट अटैक भी आ सकता है कि जब सीवियर एनेमिया है तो वो पेशेंट को आगे जाके अटैक आ सकता है एंजाइना की जो हम कहते हैं चेस्ट पेन हो सकता है स्प्लिन पे हम उसके इफेक्ट देखें तो पर्सन की जो स्प्लिन है वो काफ़ी एनलार्ज हो जाती है पेशेंट की जो स्प्लीन है वो काफ़ी एनलार्ज होती है, है एनलार्ज हो तो ये है उसके मेन सिम्टम्स अब कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे एनेमिया को तो कंप्लीट ब्लड काउंट कंप्लीट ब्लड काउंट की जिसको हम कहते हैं सीबीसी, कि जिसके अंदर स्पेशली पर्सन का ब्लड टेस्ट जो है वो किया जाता है और ब्लड टेस्ट के अंदर प्रॉपरली ब्लड टेस्ट करके आरबीसी और आरबीसी के अंदर रहा हीमोग्लोबिन जो काउंट है वो अच्छे से चेक किया जाता है और उसके ऊपर से आगे पेशेंट का जो रिपोर्ट है वो जनरेट होता है A CBC is used to count the number of blood cells in a sample of your blood. For anemia, the level of red blood cell contained in your blood and the hemoglobin in your blood need to study. कि Hb की स्टडी करनी पड़ती है यहाँ पे हीमोग्लोबिन की एस वेल एस डी लेवल ऑफ RBC, डी लेवल ऑफ RBC की जो हम रेड ब्लड सेल है उसका जो लेवल है वो स्पेशली हम चेक करेंगे एंड वन वनो टेस्ट डिटरमाइन इज अ टेस्ट टू द साइज एंड ऑफ योर रेड ब्लड सेल कि आरबीसी कौन से साइज के हैं कौन से के हैं वो भी यहाँ पे अच्छे से चेक करते हैं तो हो गया डायग्नोसिस डायग्नोसिस के बाद जानना जरूरी है कि व्हाट आर द रीजन्स कि एनेमिया की जो कंडीशन फॉर्म होती है उसके रीजन्स क्या है तो यहाँ पे हम जो चार्ट है वहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि आयरन की डेफिशियंसी कि जब आपके बॉडी के अंदर आयन डेफिशियंसी है तो आपको एनीमिया हो सकता है उसके बाद जो विटामिन के अंदर देखें तो विटामिन बी ट्वेल्व कि जिसको हम कहते हैं साइनोकोबालेमेन उसकी डेफिशंसी के कारण पेशेंट को एनीमिया हो सकता है फिर फॉलेट कि जिसको हम कहते हैं विटामिन बी नाइन उसकी डेफिशंसी से भी आगे जाके एनीमिया होता है फिर डिक्रीज इन ब्लड सेल प्रोडक्शन कि आपके आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया है आपके बॉडी के अंदर आपका काफी ब्लड लॉस हुआ है कि ब्लड लॉस किसी भी तरह से इवन समझे कि हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका रहता है रेगुलरली तो उसके कारण भी काफी ब्लड लॉस होता है किसी इंजरी के कारण भी ब्लड लॉस होता है तो वो सब रीजन से कि ब्लड लॉस जो है वो पेशेंट का हो सकता है पीरियड्स जो हम कहे किसी के कि लेडीज़ के अंदर समझो कि काफ़ी हैवी पीरियड्स रहते हैं काफ़ी ब्लड लॉस होता है पीरियड्स के दौरान तो वो आगे जाके एनीमिक बन सकते हैं उसके अलावा ये समझो कि रेगुलर है बट किसी इंजरी के कारण आपका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है तो उसके कारण भी जो है वो एनीमिया कंडीशन फॉर्म हो सकती है और आपके रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसी भी डिसीज कंडीशन के कारण या फिर किसी अलग के कारण आपके आर जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनका डैमेज हो रहा है आपके आर आपके बॉडी के अंदर तो आर डैमेज हो के तो उसके साथ रहा हीमोग्लोबिन और इसके साथ अटैच आयरन वो भी कम होता जाएगा और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी और वो कंडीशन फिर फॉर्म हो जाती है एनीमिया तो सबसे पहले तो आयरन की जो डेफिशेंसी जो हम कहते हैं वो सबसे मेन टॉप पे प्रायोरिटी के अंदर है उसके बाद विटामिन की डेफिशेंसी की जो है विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशियंसी एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन कि आपके कई बॉडी पार्ट्स पे इन्फ्लेमेशंस हुए हैं फिर उसके कारण फिर ऑप्लास्टिक एनीमिया के अंदर फिर एनीमिया से एसोसिएटेड विथ मैरो मैरोसीज कि बॉर्न मैरो की जो हमारे जो ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो मेनली बॉन मेरो में से होता है और बॉन मेरो रिलेटेड आपको कोई डिसीज़ है तो उसके कारण आर और रेड ब्लड सेल या फिर हमारे ब्लड सेल्स काफ़ी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण एनीमिया हो सकता है फिर हिमोलाइटिक एनीमियास एंड एन सीकल सेल एनीमिया की जिसके अंदर आपके रेड ब्लड सेल सिकल जैसे सेब के हो जाते हैं कि जो हमने अभी बात की कि साइज़ एंड सेब भी चेक करना जरूरी है और समझो कि आपके आर बी सी सीकल टाइप के हो जाते हैं सिकल सेल बन जाते हैं उसका जो सेप है वो ऐसा हो जाता है तो उस वक्त भी अफेक्ट पड़ता है एच बी काउंट के ऊपर और वो डिक्रीज होता है तो ये है उसके रीजंस और रीजंस में मेन कि एच बी काउंट जो है वो डिक्रीज़ होना कि मॉडरेट एनेमिया का है सीवियर एनीमिया या फिर माइल्ड एनेमिया ये जो हमारे जो अलग अलग कॉजेज या रीजंस हैं उसके कारण नॉर्मल से काफी कम हो जाता है आपका एच बी लेवल तो आयन की है फॉलेट की जो हम फॉलिक एसिड कहते हैं कि आयन फॉलिक एसिड की पीसी को आयन और यहां पे हम कहे फॉलिक एसिड उसकी है तो आयन फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण एच बी काउंट डायरेक्टली डिक्रीज हो जाता है फिर बी ट्वेल्व जिसको हम कहते हैं साइनोकोबाल एमाइन की जो हमारा विटामिन बी ट्वेल्व जो हम कहते हैं वो अच्छे से आपके बॉडी के अंदर होना जरूरी है इसलिए जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो एनेमिक पेशेंट को आयन एन फॉलिक एसिड कंटेनिंग टैबलेट्स या फिर मेडिसिन दी जाती है ऑल्सो समटाइम्स विथ साइनोकोबल एमाइन की जिसको हम कहते हैं बी ट्वेल्व तो ये तीन सप्लीमेंट खास दिए जाते हैं पेशेंट को यह भी हम डिटेल में स्टडी करने ही वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में उससे पहले हम रिस्क जान लेते हैं कि एनेमिया के कारण क्या क्या रिस्क हो सकता है रिस्क फैक्टर मतलब कि आप एनेमिक कब बन सकते हैं कि जब आपके डाइट के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स कम है कि मिनरल्स के अंदर आपको डेफिशेंसी होती है आयन की तो आयन जो मिनरल है वो आपको काफी कम मिलता है तो आगे जाके ये मिनरल एफ की आपके बॉडी के अंदर डेफिशेंसी प्रोड्यूस होती है और जब आपका डाइट ऐसा है कि आपके डाइट में कभी एफ आता ही नहीं है तो आप आगे जाके एनेमिक बन सकते हैं सेकंड है आपका डाइट ऐसा है कि आपको विटामिन बी ट्वेल्व बहुत ही कम मिलता है एज वेल एज़ बी नाइन भी आपको बहुत ही कम मिल रहा है तो उसके कारण आप एनेमिक बन सकते हैं फिर समझे कि आपको इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से तो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के कारण भी पेशेंट एनिमिक हो सकता है फिर जो मैंने बात की मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है कि लाइक हैवी पीरियड से और हैवी पीरियड्स के अंदर जो भी लेडीज है उसका ब्लड लॉस काफी हो रहा है ब्लड लॉस इंक्रीज हो रहा है तो जिसके कारण वो जो फीमेल है वो एनीमिक हो सकती है तो आपका रिस्क ये है कि मैंस्टूरेशन एक रिस्क है कि मैंस्टूरेशन के दौरान जो ब्लड लॉस होता है वो समझो कि काफ़ी एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है हेवी पीरियड्स रहते हैं तो एनीमिया आपको हो सकता है फिर प्रेगनेंसी तो प्रेग्नेंसी के दौरान भी ये डिक्रीज होता है जिसके कारण आप देखोगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो आ, आयन प्लस फॉलिक एसिड उसके सप्लीमेंट्स जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान दिए जाते हैं जिसके कारण जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसके अंदर आयन फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी ना हो और उसके कारण आगे एनेमिया या फिर एनेमिक कंडीशन प्रोड्यूस ना हो तो एडवांस में ही जब देखोगे कि जो भी प्रेगनेंसी के दौरान आयन फॉलिक एसिड एक कंपलसरी होता है लेना बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स की प्रेग्नेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है और आगे जाके एनीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस ना हो उसका रिस्क ना हो उसके लिए एडवांस में ही पेशेंट को यह दिया जाता है फिर क्रॉनिक कंडीशन अलग अलग है डिसीज कंडीशन ऐसे कि जिसके अंदर ब्लड लॉस होता है आर डिस्ट्रॉय होते हैं डिक्रीज होता है आर का प्रोडक्शन तो वे से अलग अलग डिसीज़ की जो क्रॉनिक डिसीज़ है वो समझो कि आपको हुई है तो उसके कारण आपको एनेमिया हो सकता है फिर फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि एनेमिक रहे हैं आपके फैमिली के अंदर सब लोग या फिर हिस्ट्री है ऐसी कि रेगुलरली एनेमिया की कंडीशन आपके फैमिली के अंदर होती आ रही है तो आप भी आगे जाके एनेमिक हो सकते हैं एंड एज कि समझो कि अबव एज सिक्सटी फाइव है तो आप जो है वो एनीमिया हो सकता है एच बी आपका डिक्रीज़ हो सकता है तो जरूरी है तो रेगुलर आयन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देना फिर मेडिसिन ना लेनी हो तो आप ऐसा हेल्दी डाइट ले सकते हैं कि जिससे ये कंडीशन प्रोड्यूस ना हो कॉम्प्लिकेशंस देखें तो अगर समझे कि कॉम्प्लिकेशंस कि किसी पर्सन का एच बी रेगुलरली डाउन हो रहा है एच बी इज़ लो बट अनट्रीटेड ये बात कर रहे हैं कि एच बी ऑलरेडी लो है बट पेशेंट जो है वो इग्नोर कर रहा है उसके ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा कि लंबे टाइम तक एच बी लो ही है बट वो उसको इग्नोर कर रहा है एंड अनट्रीटेड रह रहा है किवन उसको फटिक हो रहा है वीकनेस है पेलो येलो भी स्किन है डिजीनेस हो रहा है हेडैक हो रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है कि जो हमने सिम्टम्स देखे चेस्ट पेन इरेगुलर हार्ट बीट्स और सभी कंडीशन की जो सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स एनीमिया के हैं फिर भी पेशेंट इग्नोर कर रहा है और उसको ट्रीट नहीं कर रहा है तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वो हम जानते हैं तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन की पेशेंट को सीवियर फटी हो सकता है इतना थकान हो जाएगा कि आपको डायरेक्टली उसको हॉस्पिटलाइज कर हॉस्पिटलाइज की इमरजेंसी में फिर आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा सेकंड थिंग सीवियर यानी कैन मेक यू सो टायर दैट यू कांट कंप्लीट एवरी डे टास्क और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको आप थकान के कारण इससे अनकॉन्सियस हो जाएंगे कि डायरेक्टली आपको हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज किया जाएगा प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लीकेशन आ सकते हैं तो समझो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका एच बी लो है तो आगे जाके आपका जो बेबी है वो भी एनेमिक बन सकता है और उसके अंदर काफ़ी अलग अलग बर्थ डिफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे बिकॉज़ बेबी को समझो कि ऑक्सीजन कम मिलेगा ड्यूरिंग दिट्स डेवलपिंग स्टेजेस कि जब एम्ब्रियो में से आगे जाके फिटस डेवलप होता होगा और जब कंप्लीट नाइन मंथ के साइकल के बाद जब बेबी बर्थ लेगा और वो जो उसके डेवलपिंग साइकिल्स होंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और उस वक्त उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है आयन कम मिल रहा है फॉलिक एसिड कम मिल रहा है तो वो काफ़ी आगे जाके एनेमिक ही उसका बर्थ होगा तब वो काफ़ी एनेमिक होगा और काफ़ी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो बेबी के फिर पेशेंट को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं और इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है पेशेंट की डेथ तो ये काफ़ी सीवियर uh, बन जाता है कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए ये डिसीज को बिकॉज ये है रिलेटेड टू आवर ब्लड तो ब्लड हमारे बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल है प्लस ब्लड के साथ ये एच बी है वो कैरी करता है ऑक्सीजन और हमारे बॉडी के जो नॉर्मल टास्क है उसके लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन के कारण ही हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो अलग अलग क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी तो मेन साइंस ये है कि जब एच डाउन हो जाता है तो आपके बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलता है ऑक्सीजन कम मिलता है तो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो अलग अलग प्रोसेस होती है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस कम होती है जिसके कारण आपको थकान होता है वीकनेस होती है और आपके ऑर्गन्स को भी रेगुलर ऑक्सीजन चाहिए और उनको जब ऑक्सीजन नहीं मिलते तो उनके जो नॉर्मल फंक्शन से उसके ऊपर अफेक्ट होता है जिस के कारण हम देखते हैं कि फटीग होता है पेशेंट को वीकनेस होती है क्योंकि मसल्स को भी प्रॉपर चाहिए ऑक्सीजन इरेगुलर हार्ट बीट्स जो हार्ट है उसको भी प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए आयन चाहिए फॉलिक एसिड चाहिए कि जिससे वो हेल्दी रहे और उसका काम करे चेस्ट में पेन होना एक रीज़न है कोल्ड एंड कोल्ड हैंड एंड फीट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिजीनेस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता ड्यू टू लो एच तो ये प्रॉब्लम्स होते बिकॉज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ही यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है और उसके कारण हेडेक होता है नींद नहीं आती इंसोमनिया की कि जो हमने स्टडी किया डिटेल में तो ये थे कॉम्प्लिकेशंस अब प्रिवेंट कैसे कर सकते तो आप ऐसा आप हेल्दी डाइट बनाएं कि जिसके अंदर आपके फूड के अंदर आयन आपको अच्छे से मिले कि आयन रिच जो फ्रूड हम कहते हैं कि आप टोमेटोज़ रेगुलर खाइए ब्रोकली है ग्रीन पीज है केल है स्पिनच है जितने भी हमारे ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स है वो सभी के अंदर अच्छे अमाउंट के अंदर आयन होता है फिर सेकंड कि जो फॉलेट जरूरी है दिस न्यूट्रिएंट एंड इट्स सिंथेटिक फॉर्म फॉलिक एसिड कि आयन फॉलिक एसिड एंड फॉलेट रिच फूड आप लिए खास विटामिन बी ट्वेल्व आपको मिले ऐसे फूड आप लीए कि जिससे आपको प्रॉपर विटामिन बी ट्वेल्व मिले कि लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स है सीरियल्स है सोए प्रोडक्ट्स है कि जिससे आपको बी ट्वेल्व भी मिले साथ साथ प्रोटीन भी मिलता रहे एज वेल एज़ विटामिन सी कि जिसको हम कहते हैं कि फूड रिच इन विटामिन सी आप जैसे ले कि कोई भी फ्रूट्स लेते हैं वेजिटेबल्स लेते हैं जिसके अंदर अच्छे अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट है तो ये सब है प्रिवेंशन के स्टेप्स ऑफ दिस कंडीशन एनेमिया नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा एनेमिया के ऊपर वो रहेगा स्पेशली ऑन मेडिसिन की समझो कि पेशेंट की कंडीशन ऐसे सीवियर है या फिर मॉडरेट कंडीशन के जहाँ पे फूड के कारण तुरंत उसको ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है तो कौन से मेडिसिन हम उसके लिए यूज कर सकते हैं कौन सी थेरापी यूज की जाती है वो सब हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक्हाट्सएप ग्रुप सेंड योर नेम सि नेम एंड व्हाट्सएप टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स फार्मारोक्स व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर सेंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप टू अस गेट द एक्सेस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज Study material and video lecture on the F Pharma So download the Pharma Rocks Android app on Google Play, Apple iPhone app on App Store. So good luck and all the best.